गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 पार्ट 11। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं। रेशनल नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। एंड इन डेसिमल के फॉर्म में अगर जाने तो रेशनल नंबर्स होता है आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उनका, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और इरेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनका होता है वो रेशनल इरेशनल नंबर्स होते हैं। और रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, ये सब टाइप का जो नंबर्स होता है वो इरेशनल नंबर्स होता है। तो इसके पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे रेशनल और इरेशनल पर ऑपरेशन से रिलेटेड, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे देखिए, टू माइनस रूट फाइव ए रेशनल है या इरेशनल, तो टू क्या है स्टूडेंट्स रेशनल नंबर है, रूट फाइव क्या है इरेशनल नंबर, इतना जानते हैं। और प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े थे कि रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि टू माइनस रूट फाइव करेंगे, रूट फाइव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो टू माइनस रूट फाइव करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही आएगा, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। उस ढंग से थ्री प्लस रूट ट्वेंटी थ्री माइनस रूट ट्वेंटी थ्री, तो यहाँ रूट ट्वेंटी थ्री प्लस रूट ट्वेंटी थ्री और माइनस रूट ट्वेंटी थ्री क्या हो गया, जीरो हो गया। तो थ्री प्लस जीरो कितना होता है थ्री, तो थ्री क्या है रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, टू रूट सेवन बाई सेवन रूट सेवन, तो टू रूट सेवन बाई सेवन रूट सेवन, सेवन रूट सेवन, रूट सेवन क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना हम बचा टू बाई सेवन। टू बाई सेवन क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है, पी और क्यू इंटीजर्स है, रेशनल नंबर है। उसी ढंग से वन बाई रूट टू, देखिए एनी रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि रूट टू इरेशनल है तो ये हमेशा इरेशनल आएगा। और टू इंटू पाई, पाई क्या होता है स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर है, तो टू इंटू पाई भी क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि पाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसका। अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले भी पढ़े थे। थ्री प्लस रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट टू इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, समझ लीजिए इसमें भी दो टर्म है इसमें भी दो टर्म है, दोनों टर्म को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो थ्री को हम टू प्लस रूट टू से करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस रूट थ्री को भी टू प्लस रूट टू को से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इस तरीके से करना ज़्यादा आसान है। ये थ्री लिख लीजिए और फिर पूरा ये लिख दीजिए टू प्लस रूट टू ब्रैकेट में, फिर प्लस रूट थ्री लिख दीजिए ए और फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए टू प्लस रूट टू, ये सारा आप फिर इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तो थ्री इंटू टू कितना होता है सिक्स, प्लस थ्री इंटू रूट टू कितना होता है थ्री रूट टू, फिर प्लस थ्री रूट थ्री इंटू टू कितना होता है टू रूट थ्री हो जाएगा, फिर प्लस रूट थ्री इंटू रूट टू कितना होता है रूट सिक्स, यही आंसर आपका हो गया। और आगे कोई लाइक टर्म्स नहीं है, एक और छोटा नहीं होगा। फिर देखिए, थ्री प्लस रूट थ्री इंटू थ्री माइनस रूट थ्री, ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर इसको हम ए ले लें और इसको बी, तो ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो रूट थ्री, ये थ्री स्क्वायर हो गया माइनस रूट थ्री स्क्वायर हो गया, तो थ्री स्क्वायर कितना होता है नाइन माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो नाइन माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स। उसी ढंग से देखिए, रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। रूट फाइव को अगर ए लें रूट टू को बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसमें अगर एक्सपेंड करेंगे इसको अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा रूट फाइव का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट टू प्लस रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू रूट फाइव का स्क्वायर कितना होता है फाइव प्लस टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट टू कितना हो जाएगा रूट टेन हो जाएगा, तो टू रूट टेन और प्लस रूट टू का स्क्वायर टू। अब देखिए, फाइव और टू इरेशनल नंबर है, लाइक टर्म है, तो फाइव प्लस टू सेवन और प्लस टू रूट टेन, सेवन प्लस टू रूट टेन आंसर हो गया। उस ढंग से देखिए, रूट फाइव माइनस रूट टू इंटू रूट फाइव प्लस रूट टू, फिर इसको अगर रूट फाइव को ए ले लेते हैं और रूट टू को बी मान लेते हैं, तो ए माइनस बी हो गया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म का आ गया, इतना इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो
ए स्क्वायर के बदले रूट फाइव का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू फाइव माइनस टू इक्वल टू थ्री हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी डैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट डैट पाई इज इरेशनल, हाउ कैन यू रिजोल्व दिस कंट्राडिक्शन। इस कंट्राडिक्शन को कैसे रिजोल्व करेंगे? यहाँ कह रहा है कि पाई जो है सी और डी का रेशियो है, तो सी बाई डी देखने में तो लगता है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म का है, ये रेशनल है, लेकिन एक्चुअल में पाई रेशनल नहीं है, वो पाई ई रेशनल है। ऐसा क्यों लगता है कंट्राडिक्शन कि पाई ई रेशनल है जबकि सी बाई डी रेशनल है? ऐसा इसलिए लगता है स्टूडेंट्स क्योंकि पाई जो होता है सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। अब सर्कमफेरेंस को जब आप किसी भी स्केल से मेजर करेंगे, किसी भी डिवाइस से मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करने वाला डिवाइस से, तो सर्कमफेरेंस का आप रेशनल वैल्यू लेंगे, अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू लेते हैं, इरेशनल वैल्यू नहीं लेते हैं। जैसे आप 22 है तो 22.00100 तो नहीं ले सकते हैं। अगर कोई लाइन्स का लेंथ है 22.00100 तो, और डायमीटर भी अगर स्केल से मेजर करेंगे तो स्केल से तो क्या होता है आपका रेशनल वैल्यू ही मेजर कर सकते हैं। आप 5 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, 5.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। अब इसके बीच में बहुत सारा इरेशनल नंबर है, 5.00100001... इस टाइप का नंबर, तो आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमको पता नहीं चलता है कि या तो सी इरेशनल है या डी इरेशनल है या दोनों इरेशनल हो सकता है। इस कारण जो है सी बाई डी तो देखने में लगता है इरेशनल नंबर है, लेकिन एक्चुअल में जो पाई होता है इरेशनल होता है, क्योंकि अगर सी भी इरेशनल आ जाएगा तो सी बाई डी इरेशनल हो जाएगा, अगर डी भी इरेशनल हो गया तो भी सी बाई डी जो है इरेशनल हो जाएगा। तो इसका आंसर यही लिखेंगे, दिस इज देयर इज नो कंट्राडिक्शन। वी शुड रिमेंबर डैट व्हेन वी मेजर अ लेंथ विथ अ स्केल और एनी अदर डिवाइस वी ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। हम लोग केवल अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू मेजर करते हैं स्केल से। सो वी मे नॉट रियलाइज डैट आइदर सी और डी इज इरेशनल। हम लोग को पता नहीं चलता है उसमें कि सी इरेशनल है या डी इरेशनल है, इसलिए जो है पाई इरेशनल होते हुए भी इरेशनल जैसा दिखता है सी बाई डी। अब है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। पिछले वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स रूट एक्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो जैसे रूट एक्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही रूट 9.3 को नंबर लाइन पर हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। एक्स के बदले हम लोग एक्स यूनिट के बदले 9.3 यूनिट ले लेंगे। इसका सॉल्यूशन होगा कि मार्क द डिस्टेंस 9.3 यूनिट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए ऑन अ गिवन लाइन टू ऑब्टेन अ पॉइंट बी सच डैट ए बी इक्वल टू 9.3 यूनिट्स फ्रॉम बी। मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एंड मार्क द न्यू पॉइंट्स एज सी। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मार्क द पॉइंट एज ओ। ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ सी। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए सी पासिंग थ्रू बी एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी, देन बी डी इक्वल टू 9.3। बी डी इक्वल टू 9.3 का रूट मीन्स की रूट 9.3। टू रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन कंसिडर बी सी एज द नंबर लाइन विथ बी एज 0, सी एज 1 एंड सो ऑन। ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर बी एंड रेडियस बी डी विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन इन ई, देन ई रिप्रेजेंट्स रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे हम नंबर लाइन पर शो करते हैं, पिछले वीडियो में भी देखे थे। तो रूट 9.3 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 9.3 यूनिट ले लेते हैं। ये देखिए 9.3 यूनिट के बदले 9.3 सेंटीमीटर ही ले लिए हैं, और फिर 1 यूनिट ले लेते हैं, मतलब एक 9.3 पर पॉइंट मारते हैं और एक 10.3 पर पॉइंट मारते हैं, ठीक है, 9.3 और 10.3। अब ये देखिए 9.3 कौन है, ये 9.3 जो है यहाँ पर ये ए है और ये बी है। ए बी इक्वल टू कितना हो गया 9.3 यूनिट हो गया, और बी और सी जो है बी सी ये क्या है ए वन है, 1 यूनिट ले लिए इसको। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स,
ए बी इक्वल टू 9.3 यूनिट हो गया, बी सी इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। अब ए सी को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। देखिए ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए सी का मोर देन हाफ लेकर के आर काटते हैं ऊपर और नीचे, यहाँ सी से काटते हैं भी और यहाँ से भी काटते हैं, ए से भी काटते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको कहते हैं, इसको ड्रॉ करने के लिए अब स्केल से इसको देखिए, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमको मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा इस लाइन का। देखिए इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड हो गया, हमको यहाँ से ज़रूरत है, इस मिड पॉइंट से ज़रूरत है, ऊपर लाइन खींचें या ना खींचें, तो ये मिड पॉइंट फाइंड हो गया स्टूडेंट्स, ओ हो गया। अब क्या करते हैं, एसी का मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद रूट 9.3 दिखाना है, तो याद रखिएगा रूट 9.3 लेंगे और फिर 1 लेंगे, मतलब 10.3 को बाइसेक्ट किए हैं, तो 10.3 का को बाइसेक्ट किए तो ए जो है ओ मिड पॉइंट आया। अब ओ को सेंटर लेकर के और ओ सी को रेडियस लेकर के, देखिए ओ सी रेडियस ले लिए, एक सेमी सर्कल खींचते हैं, ठीक है, सेमी सर्कल खींचते हैं, तो सी और ए पर मैच किया, मीट किया सेमी सर्कल। अब देखिए ये जो बी था 9.3 जहाँ पर था, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं प्रोटेक्टर से लगा करके 90 डिग्री का एंगल। देखिए 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है पॉइंट्स। अब इस परपेंडिकुलर को जब ज्वाइन करते हैं तो ये सेमी सर्कल को कहाँ कट कर रहा है स्टूडेंट्स, ए डी पर कट कर रहा है, ठीक है, ये सेमी सर्कल को डी पर कट कर रहा है, तो सेमी सर्कल को डी पर कट कर रहा है, तो ये जो बी डी हुआ यही आपका रूट 9.3 हुआ। ये जो बी डी डिस्टेंस है, पिछले वीडियो में बताए थे कि बी डी कैसे रूट एक्स आता है, रूट 9.3 आएगा ये, है ना, अगर ये हम एक्स यूनिट लेते हैं ए बी और फिर बी सी 1 यूनिट लेते हैं तो जो बी डी होता है रूट एक्स यूनिट होता है, तो उसी ढंग से ए बी रूट ए बी 9.3 यूनिट लिए हैं, बी सी 1 यूनिट लिए हैं, तो ये बी डी रूट 9.3 होगा, इसको प्रूफ करके बताए थे पिछले वीडियो में। अब बी डी रूट 3 को आप नंबर लाइन पर दिखाना चाहते हैं तो आप बी को 0 मान लीजिए, ये समझिए बी 0 है, नंबर लाइन है और बी 0 है, और बी डी तो 9.3 है ही, तो इसको रेडियस लेकर के बी डी के इक्वल रेडियस लेकर के, देखिए बी डी के बराबर रेडियस लिए हैं, अब एक आर खींच दीजिए, एक आर खींच दीजिएगा जो नंबर लाइन को कहाँ मीट करेगा, ए ई पर मीट करेगा, ठीक है, तो ए जो है आपका पॉइंट ई हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी इक्वल टू बी ई हो गया, तो बी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू रूट 9.3 यूनिट हो गया, मतलब रूट 9.3 हो गया ये, क्योंकि बी डी रूट 9.3 है तो बी ई भी रूट 9.3 यूनिट होगा, तो इसका मतलब होगा रूट 9.3 यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ई है पॉइंट ई जो है रूट 9.3 हुआ। तो इस तरीके से हम लोग रूट 9.3 या रूट 9.5 किसी भी नंबर को एक्स के बदले रूट एक्स टाइप के नंबर को हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ कि ये रूट 9.3 हुआ और इसको नंबर लाइन पर ला सकते हैं आराम से। यहाँ पर ये समझिएगा कि ये यहाँ पर अब ये 0 हो गया, ये बी को 0 मानेंगे तभी ये बी ई जो है रूट 9.3 यूनिट होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, इसको भी एग्जाम्पल्स में देखे थे, फिर से देखिए 1/√7, तो रूट सेवन को रेशनल बनाना है तो हम रूट सेवन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को रूट सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी रूट सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा √7/7, √7 × √7 कितना होता है 7, ये आंसर हो गया। अब 1/√7 − √7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√7 − √6 इंटू √7 + √6/√7 + √6, देखिए 7 − √6 है डिनोमिनेटर तो 7 + √6 से करेंगे ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए तभी रेशनलाइज होगा, तब इक्वल टू हो जाएगा √7 + √6 और डिवाइडेड बाई, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स हो गया √7² − √6² इक्वल टू √7 + √6 /
रूट सेवन का स्क्वायर कितना होता है सेवन, माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, सेवन माइनस सिक्स कितना होता है वन होता है, इसका वैल्यू हो गया रूट सेवन प्लस रूट सिक्स बाई वन इक्वल टू रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। उस ढंग से वन बाई रूट फाइव प्लस रूट टू इक्वल टू वन बाई रूट फाइव प्लस रूट टू इन टू, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इसका कंजुगेट से करते हैं। अब यहाँ रूट फाइव प्लस रूट टू है डिनोमिनेटर्स में, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए इसका कंजुगेट क्या हुआ, रूट फाइव माइनस रूट टू, प्लस को माइनस कर देंगे तो ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो इतना से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया फाइव माइनस रूट टू पर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट फाइव स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर हो गया इक्वल टू रूट फाइव माइनस रूट टू बाई फाइव माइनस टू इक्वल टू रूट फाइव माइनस रूट टू बाई थ्री, ये आंसर हो गया। इस ढंग से एक लास्ट क्वेश्चन है वन बाई रूट सेवन माइनस टू, तो यहाँ पर रूट सेवन माइनस टू है तो रूट सेवन प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ए आ गया इक्वल टू रूट सेवन प्लस टू डिवाइडेड बाई, ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फिर से हो गया, तो रूट सेवन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू रूट सेवन प्लस टू बाई कितना हो गया, रूट सेवन का स्क्वायर सेवन माइनस टू का स्क्वायर फोर इक्वल टू रूट सेवन प्लस टू बाई थ्री हो गया, सेवन माइनस फोर कितना होता है थ्री। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पार्ट 12 में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए, और अगर यह फ्री वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और अगर ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये फ्री वीडियो सीरीज का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।